नेहाज डिवाइन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं साइट कोणासन। कोणासन क्यों? क्योंकि अगर हम ध्यान देते हैं, हम अपने सारे रूटीन की तरफ ध्यान देते हैं, तो हम देखेंगे कि जो भी हम काम कर रहे होते हैं उसमें हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं। यानी अगर हम झुक रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, तो हम देखेंगे कि हम आगे की तरफ झुकते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी डाइट वगैरह सब कुछ बराबर है, लेकिन हमारी बॉडी का जो शेप आना चाहिए, यानी कि ये जो साइड बॉडी है, इसका शेप प्रॉपर नहीं आ पाता। तो आज जो हम आसन देखने वाले हैं, उसमें हम अगर उसकी प्रैक्टिस हम रेगुलर करते हैं, तो यहाँ की बॉडी जो है वो शेप में आने लग जाएगी। क्योंकि यहाँ से हम कोई भी काम, ऐसे जैसे हमें कोई चीज़ उठानी हो, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम इस तरह से झुक के उठाएं, हम आगे की तरफ झुकते हैं। तो साइड स्ट्रेचिंग हमारी बहुत कम हो पाती है, लेकिन जब हम साइड कोणासन की प्रैक्टिस करेंगे, जब कोणासन की प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि अगर आप 15 डेज या 1 मंथ तक इसकी प्रैक्टिस करते हो, तो साइड के जो भी फैट्स हैं आपके, वो धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे। और इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये हो जाता है कि हमारी ब्रीदिंग इससे बहुत अच्छी हो जाती है, हमारी सांसों की प्रक्रिया भी इससे बहुत अच्छी हो जाती है। हेल्थ तो हमारी इम्प्रूव होती ही है, बॉडी का शेप भी आता है, और ब्रीदिंग भी हमारी बहुत अच्छी होती है। तो अभी हम देखेंगे कि इसको करते कैसे। साइड कोणासन करने के लिए हमें पैरों में 2 फुट का अंतर, यानी कि 24 इंच का गैप रखना होगा। 2 फुट का अंतर या उससे थोड़ा सा ज्यादा हम गैप कर सकते हैं पैरों में। बॉडी को सीधा रखना है, फिर अपने राइट हैंड को कान के पास लेना है और धीरे धीरे, यानी कि हाथ को ऊपर लेंगे और इनहेल करते हुए हम लेफ्ट साइड जाएंगे। जब हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं, तो हम अपनी उंगलियों को ऊपर की तरफ खींचेंगे, इसको बेंड नहीं करेंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे। ये जो हमारा पेल्विस वाला एरिया है, इसको हम आगे नहीं आने देंगे, ये जो है बिल्कुल सीधा होना चाहिए। यानी अपने हाथों को अपर स्ट्रेच करेंगे, जितनी देर तक हम कंफर्टेबली सांस को रोक सकते हैं रोकेंगे, और फिर हम एक्सहेल करते हुए सीधे हो जाएंगे, हाथ को नीचे लेकर आएंगे। सेम यही हमें दूसरी साइड से करना है। इनहेल करते हुए जाना है, सांस को रोकना है कंफर्टेबली, और उंगलियों को ऊपर की तरफ खींचना है, पेल्विस वाला भाग पीछे, और एक्सहेल करते हुए हाथ को फिर नीचे ले लेना है। अब हमें अपने डिस्टेंस को बढ़ाना है। जैसे अभी 2 फिट डिस्टेंस था, तो फिर हम अभी 1 फिट डिस्टेंस और बढ़ा देंगे। अब 3 फिट डिस्टेंस हो गया। अब वापस हम हाथ को ऊपर की तरफ लेंगे और इनहेल करते हुए जाएंगे। अब अपनी उंगलियों को बाहर की तरफ खींचेंगे, पेल्विस की तरफ ध्यान देंगे, पेल्विस पीछे ही होना चाहिए। कंफर्टेबली सांस को रोक के रखेंगे और एक्सहेल करते हुए वापस सीधे हो जाएंगे, वापस जाएंगे इनहेल करते हुए दूसरी साइड से। हाथ और कान की जोड़ी है, आप देख सकते हैं, और एक्सहेल करते हुए सीधे हो जाएंगे। ऐसे आप 2-4 राउंड कर सकते हो। वापस आप अपने पैरों में डिस्टेंस और बढ़ाएंगे, जैसे ये 3 फिट डिस्टेंस है, वापस आप 1 फिट डिस्टेंस और बढ़ा देंगे। अब ध्यान ये देना होता है कि हमारे टोज इन हो और हील्स आउट हो, जिससे आप अच्छी तरह से खड़े हो पाएं और आपकी बॉडी बैलेंस रहे। वापस हाथ ऊपर लेंगे और फिर हम इनहेल करते हुए जितना जा सकते हैं लेफ्ट साइड जाएंगे। अब ध्यान ये देना है कि आपके हाथ जो है वो पैरों को टच तो हो रहे, लेकिन आपको पैरों का सहारा नहीं लेना है, यानी अपनी बॉडी का वेट जो है वो पैरों पे नहीं देना है। आप सिर्फ टच कर रहे हो और अपने हाथ को बाहर की तरफ खींच रहे हो, यानी आप राइट हैंड को बाहर की तरफ खींच रहे हो और लेफ्ट हैंड से आपने लेफ्ट पैर को सिर्फ टच किया है, और वापस आप सीधे हो जाओगे हाथ नीचे। सेम हमें दूसरी साइड करना है। सिर्फ टच करना है, हाथों को बाहर की तरफ खींचना है, वापस सीधे हो जाएंगे हाथ नीचे। अब हम वापस अपने पैरों को अब आउट कर देंगे। अभी हमारे टोज इन थी और हील्स आउट। अब 3 फिट डिस्टेंस के बाद आप
आप अपने पैर को, यानी जैसे मैं लेफ्ट पैर को अभी आउट कर रही हूँ, पैर को आउट करेंगे, राइट टोज इन है, हील्स आउट, वापस आप हाथ को ऊपर लोगे और इनहेल करते हुए कोशिश करोगे नीचे तक जाने की, यानी नीचे तक पैर को पकड़ने की। अब ध्यान ये देना होता है कि हमारी बॉडी जो है वो आगे की तरफ नहीं झुके, हाथ और कान की जोड़ी हो, लेकिन आप शोल्डर को पीछे की तरफ रखो और हाथ को बाहर की तरफ खींचो और एक्सहेल करते हुए सीधे हो जाओगे वापस नीचे। अब जो है लेफ्ट पैर इन है और राइट लेग आउट है, हाथ ऊपर, वापस इनहेल करते हुए जाएंगे, हाथ को बाहर की तरफ, आप वापस सीधे हो जाएंगे, धीरे से हाथ नीचे, पैर अंदर। अब इसका आगे का वेरिएशन, ये हमने आगे तक हम गए और पैर को टच किया, हाथ को खींचा। अब दोनों हाथ जो है वो टी शेप में ले लेंगे। दोनों हाथ टी शेप में लेने के बाद गर्दन को हमने लेफ्ट लिया। अब हाथों को देखते हुए बॉडी को ट्विस्ट करते हुए लेफ्ट हैंड को राइट पैर से टच करेंगे, यानी राइट पैर के अंगूठे को टच करेंगे। अब दूसरा हाथ ऊपर की तरफ है और ऊपर देखेंगे, हम अपने उंगलियों को देखेंगे, थंब को देखेंगे, वापस नीचे देखेंगे और इनहेल करते हुए सीधे हो जाएंगे। अब दूसरी साइड गर्दन, अब वापस हम आएंगे, एक्सहेल करते हुए हाथ को नीचे, पैर के अंगूठे को टच किया और ऊपर की तरफ देखा, वापस नीचे देखेंगे, हाथ को देखते हुए इनहेल करते हुए सीधे हो जाएंगे, गर्दन सामने, हाथ को नीचे। अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी और भी फ्लेक्सिबल हो और अच्छी तरह ट्विस्ट हो, साथ में हमारे पेट की भी एक्सरसाइज हो जाए, तो ये होने के बाद अगर आपको बैक पेन नहीं है तो आप ये कर सकते हो कि हाथ को टी शेप में रखो, बॉडी को ट्विस्ट करो। अब आप लेफ्ट हैंड से राइट पैर के अंगूठे को पकड़ लिया, अपने एल्बो वाले भाग को नीचे करने की कोशिश करो। अब हाथ ऊपर, जितना हो सकता है एल्बो का भाग नीचे, जमीन तक रखने की कोशिश, वापस सीधे हो जाओ, सामने की तरफ आ जाओ, गर्दन सामने, दूसरी साइड देखो, वापस जाओ नीचे, पैर के अंगूठे को पकड़ लो, एल्बो को नीचे, हाथ ऊपर, अब वापस सीधे हो जाओ, धीरे से सीधे, गर्दन सामने, हाथ नीचे, बॉडी को ढीला। आप 4-5 राउंड इसके कर सकते हो। अगर आप करोगे और एवरीडे इसकी प्रैक्टिस करते हो तो आप देखोगे कि साइड बॉडी जो है वो आपकी बहुत अच्छी तरह से वर्क करेगी और वो शेप में आने लगेगी। नमस्ते।